नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। एक न्यू नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसकी मैं आपको सूचना दूंगा। स्कूल सहायक जो भर्ती है उसकी सूचना आई है। विद्यालय सहायक सीधी भर्ती 2024। एज वगैरह, वेतन वगैरह फुल नोटिफिकेशन है, वो मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूँ। स्क्रीन के ऊपर ही आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन दिखाई देगा और यहीं पर मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है साहब। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसकी पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। जो भी ये भर्ती है उसकी जो सूचना आई है वो मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूँ, ठीक है साहब। आ जाओ, विद्यालय सहायक सीधी भर्ती 2024, स्कूल सहायक भर्ती 12वीं पास नौकरी है। पदों की संख्या 6421 है, यानी कि 6421 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। वेतन इसमें 16500 बताया गया है। नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है, उस नोटिफिकेशन को हम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। महिला पुरुष दोनों, और यह बिहार की भर्ती जारी हुई है साथियों। बिहार की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और यह नोटिफिकेशन आवेदन शुरू वाला नहीं हुआ है दोस्तों, आवेदन अभी शुरू नहीं हुए हैं। जो सूचना आई है वो मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूं, ठीक है साहब, पूरी जानकारी दूंगा। और आवाज अगर थोड़ा तेज ना भी आ पाए तो आप थोड़ा सा अपने मोबाइल की आवाज को बढ़ा करके सुन लेना, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो हमने कम्युनिटी डाल रखी है, आप सबको पता है मम्मी का निधन हो चुका था, इस वजह से गला भी थोड़ा ख़राब हो चुका है। और आप खुद ही आवाज़ बढ़ा करके सुनें, क्योंकि परेशान हैं बहुत, क्या करें। लेकिन शादी भी नहीं हुई, बहन भी नहीं है, माँ थी वो भी चली गई, इस वजह से अब थोड़ी परेशानी है। नोटिफिकेशन आया है तो जारी हुआ है, तो आपको सूचना देना भी बहुत ज़रूरी है, इस वजह से मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। अब आ जाओ इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि तेज़ आवाज़ निकालने की कोशिश करूंगा, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए और सुनाई भी दे जाए, ठीक है साहब। ये है बिहार की साथियों, पहले ही मैं आपको बता देता हूं, ये बिहार की है और बिहार की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। जो भी अपने पास नोटिफिकेशन आ रहा है उसकी तो सूचना देते ही आपको। बिहार सरकार शिक्षा विभाग, महालेखाकार लेखा एवं हकदारी बिहार पटना, वित्त विभाग। विषय क्या है? राज्य के 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक, अर्थात कुल 6421 विद्यालय सहायक के पद सर्जित करने की स्वीकृति के संबंध में, यानी कि साथियों स्वीकृति जारी की गई है कि भाई इस भर्ती की स्वीकृति जारी की गई है। इसका नोटिफिकेशन वो वाला जारी नहीं हुआ है कि आवेदन कब से शुरू होंगे, लास्ट डेट क्या है, वो अभी जारी नहीं हुआ है, उसको भी जारी करवाएंगे, ये सूचना आई है। एक विद्यालय में एक विद्यालय सहायक रहेगा, तो 6421 विद्यालयों में 6421 ही विद्यालय सहायक रहेंगे, ठीक है साहब। अब देखो इसमें पूरी जानकारी को हम समझेंगे। कुल 6421 विद्यालय सहायक के पद सर्जित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, यानी कि वो स्वीकृति प्रदान की गई है लेकिन अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं, ठीक है साहब। और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन करें, वहीं पर आपको इसका नोटिफिकेशन पूरा मिल जाएगा, ठीक है साहब। अब आ जाओ इसकी आगे की बात है, वो मैं आपको अच्छी प्रकार से समझा देता हूं। ये लो, यहां से हम इसको अच्छी प्रकार से समझेंगे। अब इसमें जो भी जानकारी है वो मैं आपको दे देता हूँ। नंबर चार पर देखो, राज्य के 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक, अर्थात कुल 6421 विद्यालय सहायक का पद प्रति महीने 16500 वेतन मिलेगा और नियत मानदेय और 500 रुपये के वार्षिक वेतन वृद्धि पर सर्जित किया गया है, यानी कि 500 रुपये आपके हर साल बढ़ते रहेंगे, 500 रुपए जो है वो प्रति वर्ष आपके बढ़ते रहेंगे और वेतन जो है साथियों वो 16500 आपको दिया जाएगा, ठीक है साहब, ये बात हो गई है, ठीक है जी। अब आगे की बात करते हैं, देखो इसमें ये है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, जो कि आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं कहाँ का है, कब का है, वो सारी चीजें इसमें दी गई है। यह उप सचिव शिक्षा विभाग पटना, दिनांक 23 सितंबर 2024
23 सितंबर 2024 का ये जारी किया गया है। यहाँ पर ये साइन दे रखे हैं उप सचिव के, ये आप आराम से देख सकते हो। ये साथियों खबर आई है एक, ठीक है ना, ये एक खबर आई है जो कि भाई तुम्हारे 6421 पदों पर विद्यालय सहायक भर्ती होने वाली है, इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और फिर आपके जब आवेदन शुरू होंगे तो हम आपको पूरी चीज़ें बता देंगे, ठीक है जी। जब इसके आवेदन शुरू होंगे तो हम आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बारे में हम आपको अच्छी प्रकार से बता देंगे। अब तो फिलहाल यही सूचना आई है कि भाई 6421 पदों पर विद्यालय सहायकों की भर्ती की जाएगी और उसका वेतन भी बता दिया गया है। अब एज की बात करें तो एज तो देखो 18 से 40 साल तो मिनिमम रहती ही रहती है। योग्यता इसकी 12वीं पास है, योग्यता इसकी क्या रहेगी साहब, 12वीं पास रहेगी। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। जिलों की भी यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, कहाँ कहाँ कौन कौन से जिले में कितने कितने पद आने वाले हैं। ये है पटना 210 पद, नालंदा 149, भोजपुर 147, बक्सर 88, रोहतास 166, कैमूर, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, ठीक है। इस प्रकार से ये देखो 18, 19, 20 यहाँ से पूरे की पूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ये देखो सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अरिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, कुल 6421 पद। ये हैं साथियों हर जिले के अनुसार यहाँ पर पद बताए गए हैं जो आप आराम से चेक कर सकते हो। ये रहे उप सचिव के यहाँ पर शिक्षा विभाग के साइन, ठीक है साहब। तो ये थी जानकारी जो मैं आपको अच्छी प्रकार से समझा चुका हूँ। इसके आवेदन शुरू नहीं हुए हैं, महिला पुरुष दोनों इसके लिए आवेदन करेंगे। जब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा तब हम आपको पूरी सूचना दे देंगे, ठीक है साहब। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियाँ निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं। और भी जो नए राज्य हैं उनके भी अगर नोटिफिकेशन जारी होते तो वो भी हम आपको सूचना देते रहेंगे, ठीक है साहब। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।